जब सावित्री बाई ने पढ़ाई करना शुरू किया तो क्या उनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई? जब से सावित्री ने मैडम मिशेल के यहाँ पढ़ना शुरू किया, आने वाला हर दिन एक नई कठिनाई लेकर आता था। ये सर्टिफिकेशन है, ये तुम्हारे इतने सालों का मेहनत का फल है। मैं, मेरा सर्टिफिकेट तो आप है, मेरी शिक्षा। कांता, ऐसा नहीं है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये पवित्र पवित्र बातों को मैं नहीं मानता। ये सब पुरानी बात है कांता। विधवा को भी शक में ठिकाना मिल सकता है। अरे वो रही, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें खोज नहीं पाएंगे? चलो हमारे साथ। और इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? तुम कौन हो? और तुम्हें नहीं पता है कि एक विधवा का घर कहाँ होता है? विधवा आश्रम में, और कहाँ? तुम इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं ले जा सकते, चाहे वो विधवा आश्रम ही क्यों ना हो। अब तुम रोकोगे हमें? बिल्कुल। तो धर्म के मामले में बाधा डालोगे तुम? एक स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसे कहीं भी ले जाना सबसे बड़ा अधर्म है, और मैं तुम्हें यह अधर्म नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, इस बात का फैसला हमारी लाठी करेगी। मुझे भी लहू जी के अखाड़े में सीखे मेरे दांव पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आ जाओ। नहीं तुम, अब तुम कुछ नहीं करो। मैं अब अपनी इच्छा से विधवाश्रम लौट रही। नहीं कांता, तुम्हें तो कहा था वो विधवाश्रम नहीं, वो कैद खाना है। वो जगह मेरे लिए कैद थी क्योंकि वहां कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि स्त्रियों के लिए सोचने वाला, उनकी भलाई के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, स्त्रियों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि एक न एक दिन स्त्रियों को भी जीने का अवसर मिलेगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। चलो कांता, जल्दी चलो। मुझे पंडित काका और काकी को तुरंत ये बात बतानी पड़ेगी, शायद उनका मन बदल जाए और वो कांता ताई को घर वापस ले आए। ये लगे हैं तेरे पैरों में, हाँ? इस विधवाश्रम से भाग जाना चाहती है? भागने का बड़ा शौक है ना तेरे को? कल मैं भगाती हूँ तुझे। अब आत्महत्या करने चली थी, हाँ? आत्महत्या? से भागने का नहीं, मरने का शौक है। अब तू मरे या ना मरे, लेकिन मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। कहाँ कहाँ भागी थी तू? चल चल तू, चल चल। भाग जाती है, आज मैं तेरे को बताती हूँ। चल मर, तेरे को मरने का बहुत शौक है ना, यहाँ मर। Thank you.
खबरदार किसी ने दरवाजा खोला तो। और उसको खाना पीना दिया तो उसी का भी हाल यही कर दूंगी, समझे? तुम खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चले जाओ अपने काम पे। और तू क्या कर रहा है यहाँ? तेरे को काम नहीं है, चल भाग। सब मुंह फेर के चले गए, अब मुझे कांता ताई के लिए कुछ करना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। आप तो बस यहाँ पूजा पाठ में ही लगे रहिए। आपके पड़ोस में इतने वर्षों से क्या अधर्म चल रहा है वो आपको दिखाई देता है कि भी नहीं देता? पड़ोस में क्या हुआ अपने पड़ोस में? मैंने आपसे कहा था गोविंद राव के ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन आप हैं, आपको तो उस पर इतना विश्वास है कि आपको लगता है कि वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धर्म कर्म को बहुत ही ज्यादा मानता है, आपकी बात बहुत मानता है। चित्रा, गोविंद को लेकर मैं तुम्हें आज भी आश्वस्त करता हूँ, चाहे भलाई सूरज पश्चिम से निकल जाए पर गोविंद कोई अधर्म का कार्य नहीं कर सकता। और उसका बेटा और उसकी बहू, उस पर विश्वास है आपको? क्या मतलब? ज्योति और सावित्री, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने ये पूछे कि क्या नहीं किया उन्होंने? तेरे कारण ज्योति को माफ किया, लेकिन अब नहीं, ज्योति और सावित्री को अपने अधर्म का दंड भुगतना ही होगा, उन्हें पेशवा के दरबार में पेश होना होगा। बड़े आए थे सुचित्रा को सलाह देने के लिए कि मैं अपनी बहू को वापस बुला लूं। अब जब पेशवा महाराज ज्योति और सावित्री को देश निकाला देंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि सुचित्रा को सलाह देना कितना बड़ा दंड है। काका जल्दी कीजिए, देर हो रही है। सुन, तूने काका को ये नहीं बताया ना कि तू उन्हें गांव छोड़ने जा रही है? नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं। Anyhow, that's your problem. मेरे लिए तो बस इतनी खुशी की बात है कि काका is going now. मारिया, प्लीज यार। ऐसे इंसान का कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है? काका, जल्दी कीजिए, वरना हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। हाँ, आया आया। अरे वो क्या हुआ था? वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। मैं भी इस मुंबई की चिल्लम पल्ली से तंग आ चुका हूँ। चलिए चलो। हाँ, जय विट्ठल पुजारी जी। तुमने
मैंने कहा जय विठ्ठल पुजारी जी। कमाल है, बाबा सुनकर भी नहीं सुन रहे। आज इस गोविंद को सबक सिखा कर रहूंगा। कुछ तो बात है। जय विठ्ठल पुजारी जी। दूर रह, मेरी छाया से भी दूर रह। पुजारी जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे सजा दीजिए। पहले ये बताइए कि हुआ क्या है। अच्छा, अब इतने भी भोले बनने की कोशिश मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ। मैं नहीं पता कि तुम्हारे बेटे ज्योति ने क्या किया। अब ज्योति ने क्या किया मैं नहीं पता तो ना सही। अब जो भी पता लगवाना हो वो पेशवा के दरबार में लगवाना, समझे? अब ज्योति ने क्या किया। Surprise! Oh my God, Rishi, तुम Rio से कब आए? Hey Maria, how's you? कब आए? Just अभी direct अमेरिका से land कर रहा हूँ। बिना बताए वो भी हाँ? अरे sister, मैं तुम्हें surprise देना चाहता था। अच्छा, मुझे surprise देना चाहते थे या अपनी girlfriend को? By the way, इनसे मिलो, ये नामदेव काका है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैंने बताया था ना वो स्टोरी वाले, अगर तुम जरा सा भी लेट होते ना तो हम लोगों को मिस कर और खुद सरप्राइज हो जाते। Why? क्यों? क्योंकि मैं नामदेव काका को लेकर उनके गांव जा रही हूँ। गांव? You mean village? अरे काव्या, बेटा तुम्हारे भाई को देखकर लग रहा है इसे हमारे इंडियन विलेज कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे तो साथ लेकर जाना ही होगा। इसकी फिल्म बने या ना बने, कम से कम इंडियन विलेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर मिलेगी इसे। हाँ, ओके। हाँ, अब सब लोग जा ही रहे तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? नहीं यार, मैं और इस ओल्ड मैन के साथ कभी भी नहीं। अरे तुम उस ओल्ड मैन के साथ नहीं, इस यंग मैन के साथ जा रही हो। चलो। अरे क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं कांता बहू के बारे में सोच रहा था। अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, किस मनहूस का नाम ले लिया? तुम्हें नहीं लगता हमें उससे चलकर मिलना चाहिए? जब से हम उसे विधवा आश्रम छोड़कर आए उसे एक बार भी मिलने नहीं गए। आखिर वो भी हमारी बेटी जैसी है, पता नहीं कैसी है। जो अपने पति को खा गई उसे कैसा दुख, मजे में होगी वो और क्या? नहीं काकी, नहीं काकी, कांता ताई बहुत दुखी है। ओह, तो आज हमारे द्वार पे ऊना के सबसे बड़े ब्राह्मण श्री ज्योतिबा पधारे हैं। अगम ज्ञानी ब्राह्मण जिन्हें सब पता है। नहीं काकी, अगम ज्ञानी तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ताई बहुत दुखी है।
कि मैं उनसे मिला था। तुम बहू से मिले थे? कैसी है? काका बहुत दुखी है। विधवाश्रम में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आपको पता है उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। हाँ काका, आत्महत्या। आत्महत्या? और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको उन्हें वापस घर ले आना चाहिए। आत्महत्या करने की कोशिश ही की है ना, मरी तो नहीं है ना वो। अगर वो मर जाएगी तो हम उसे अपने घर ले आएंगे उसका अंतिम संस्कार करने के। काकी ये, अरे क्या काकी काकी लगा के रखा हुआ है? अरे जिस माँ का जवान बेटा वो डायन खा गई, उसे तुम वापस घर में लेकर आने की बात कर रहे हो? काकी लेकिन उसमें कांता ताई का कोई दोष नहीं है। दो चार किताबें पढ़ने से तुम कोई पुरोहित नहीं बन जाओगे। किसका दोष है और किसका नहीं ये निर्णय सिर्फ हम ब्राह्मण लेते हैं। हम सारे संसार को राय देते हैं और तुम यहाँ हमें राय देने आए हो। मैं तो सिर्फ कांता ताई के भलाई के बारे में सोच रहा था। अगर फिर से उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? अगर वो मर गई ना तो मैं दिए जलाऊंगी। काकी, काका, काका आप ही कुछ करिए। हम धर्म के हाथों मजबूर हैं। अब कांता को पूरा जीवन विधवा आश्रम में ही गुजारना होगा। हरिओम, हरिओम। आ गया हमारा घर। चलो। क्या हुआ मारिया? स्माइल यार। इस सड़े से गांव में आने के बाद तुम मुझे बोल रहे हो मारिया स्माइल? देखो बेटा, किसी भी औरत को मुस्कुराने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसा काम करो कि अपने आप उसके ओठों पर मुस्कुराहट आ जाए। ज्योतिबा की तरह? बिल्कुल। What? Who is this ज्योतिबा? What? मैं इसीलिए इन लोग के साथ नहीं आना चाहती हूँ। पता नहीं किस जमाने की बात करने लगते हैं। सावित्री बाई, ज्योतिबा, मेरा तो सर दर्द होने लगता है। काव्या यार, ये रास्ता कब खत्म होगा? देखो बेटा, जो कहीं पहुंचना चाहता है उनके सामने रास्ता होता ही है। और जो कहीं जाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए तो बहाना ही होता है। काव्या, एक काम करो, तुम जाओ, मैं जा रही हूं, तुम्हारे गाड़ी के पास ही वेट करूंगी। अरे अरे, काव्या बेटा। हाँ काका। ज्योतिबा
हमेशा कहा करते थे, युवा को अगर उल्टा कर दे तो वायु हो जाता है। वायु समय से भी तेज चलने वाला, ये आजकल के युवाओं को कौन समझाएगा? इन्हें तो अपना इतिहास का भी पता नहीं, तो ये भविष्य की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? चलो बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। चलो, आ गया हमारा घर। सफर तो अच्छा हुआ। हाँ काका। और तुम्हारे दोस्त का ड्राइविंग भी बहुत अच्छा है। हाँ काका। काका, आपका बैग। मतलब बेटा, तुम अंदर नहीं आओगी? नहीं काका, क्योंकि ये सिर्फ आपका ही घर नहीं है, बल्कि सावित्रीबाई फूले का भी घर है। आपने उनके विचारों को, उद्देश्यों को इस तरह अपनी जिंदगी में उतारा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे उनकी ज्योति आज भी उसी तरह से चल रही है, 200 साल बाद भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके साथ साथ यहाँ इस घर में सावित्रीबाई फूले की कहानी रहती है। काका, अगर मैं आज यहाँ पर एंटर हुई तो फिर इस कहानी को अधूरा छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन बेटा, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तब तक नहीं जाओगी जब तक सावित्री की कहानी पूरी नहीं होती। अब की बार तुझे छोड़ रही हूं, लेकिन फिर कभी ऐसी गलती की तो तुझे भूखा मारूंगी यहाँ पे। अब ये तो पैसे का युग है, पैसा युग। पैसे के बिना यहाँ वादे भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ कांता, जल्दी से कुछ खा लो। ये नहीं ले सकती। ताई, ले लीजिए ना, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे सजा मिली है और मुझे ये सजा भुगतनी पड़ेगी।